चल स्टार्ट करते हैं बेटा। आईबीसी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी। और एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल। एक्जी में कितने मार्क्स का है ये? 25 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल में ये 50 नंबर पूरा चैप्टर, ठीक है। एक्जी में तो ज्यादा नहीं है, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स पूरा। एक पेपर है हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, सीएस प्रोफेशनल में। क्या नाम है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये पेपर ना दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ आईबीसी 50 नंबर, 50 मार्क्स। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है और नया टॉपिक है, 2016 में आया है, ठीक है। और सबसे मेन एरिया ऑफ प्रैक्टिस सीएस का आईबीसी आज की डेट, ठीक है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। लेकिन अभी एग्जी के लिए कितने मार्क्स का ये? 25 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, हमने स्ट्राइक ऑफ पढ़ा था लास्ट क्लास में। और एक और चैप्टर है हमारा डोरमेंट कंपनी, ठीक है। वाइंडिंग अप तो इसमें हो जाएगा, डोरमेंट कंपनी और स्ट्राइक ऑफ। ये तो छोटे छोटे चैप्टर है, देखो 2 दिन में खत्म हो गया है ना। सबसे बड़ा चैप्टर आईबीसी है, इसको करने में 7-8 दिन 10 दिन मैक्सिमम लग सकते, ठीक है जी। चलिए अब शुरू करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आज के बाद इसको क्या बोलेंगे? आईबीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईबीसी 2016, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या होती है इसमें, क्या है रेगुलेशंस? क्या है बेटा? रेगुलेशंस प्लस सेक्शंस में, ठीक है। रेगुलेशंस प्लस सेक्शंस, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है, ठीक है, और आईबीसी भी लगता है, ठीक है जी। मैं आगे बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है किसी भी लॉ के सेक्शन वन में क्या लिखा? किसी भी लॉ के सेक्शन वन में क्या लिखा? टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। टाइटल का मतलब इसका नाम क्या है? क्या नाम है फिर इस चैप्टर का? सॉल्वेंसी। अच्छा, चैप्टर या लॉ है ये? ये तो लॉ है, हमने चैप्टर बना दिया, चैप्टर ये है ना। एक्चुअल में क्या है? तो लॉ है, कोड है, राइट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या इस चैप्टर का नाम क्या लिखा है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सेक्शन वन में क्या लिखा है? इस चैप्टर का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ठीक है। अच्छा ऐसा लिखा होता है, दिस लॉ मे बी नोन एज, याद है किसी को ये? ये मैंने बताया था सीएसईटी, याद हो आप? याद है, दिस लॉ मे बी नोन एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। यहाँ पे मे होना चाहिए या शैल होना चाहिए? याद है ये? मे होना चाहिए या शैल होना चाहिए? इस एक्ट तुम्हारा नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसका नाम अंश है, तो इसको अंश ही बोलते हैं ना हम, है ना। उसका नाम ही वही है, जैसे एक्ट का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के नाम है, ठीक है। और सेक्शन नंबर वन में क्या लिखा है? दिस लॉ मे बी नोन एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। मुझे बस इतना बताओ, यहाँ पे मे होना चाहिए या शैल होना चाहिए? यहाँ पे मे होना चाहिए, शैल होना चाहिए? मे क्यों? अरे हटा देती हूँ, कुछ नहीं लिखा हुआ, बताओ। मे होना चाहिए, शैल होना चाहिए? मे होना चाहिए, शैल? नहीं, शैल का मतलब कंपल्सरी, बोलना ही पड़ेगा। और मे का मतलब आप बोल सकते हो, चॉइस है आपकी, मे होगा या शैल होगा, आप बताओ। शैल क्यों नहीं होगा? उसका नाम तो वही है ना, इंसॉल्वेंसी बैंक। हाँ बताओ बेटा, अच्छे वाले बताओ बताओ, मे होना चाहिए, शैल होना चाहिए? मे क्यों? शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं अगर आईबीसी 2016 तो क्या हो गया,
अच्छा आपको पता है ना, किसी भी सेक्शन को कॉन्ट्रावीन करेंगे तो पेनल्टी लगेगी फिर, है ना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें एक राइट देता है, क्या राइट देता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, देता है ना राइट। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मे या शैल, मे होना चाहिए। अगर यहाँ पे शैल लिख दिया तो कभी भी हम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, यही बोलना पड़ेगा। अगर तुमने आईबीसी 2016 बोल दिया या आईबीसी बोल दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी, सेक्शन 1 क्या हो गया, कॉन्ट्रावीन हो गया, क्या हो गया, कॉन्ट्रावीन हो गया, तो आपके ऊपर पेनल्टी। और साथ साथ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मेरे को फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो भी कॉन्ट्रावीन हो गया, खत्म। अच्छा, कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ब्रीच नहीं कर सकता, कोई भी, ठीक है, कोई भी एक्ट, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आने से पहले बनाओ चाहे बाद में बनाओ, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इनकंसिस्टेंट में, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसको ब्रीच कर रहा है, तो वो लॉ पूरा का पूरा इनवैलिड है। समझ में आ रही है बात मेरी? सबसे पहले तो सेक्शन 1 पढ़ना होना चाहिए, पूरा हम चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन पता ही नहीं सेक्शन 1 क्या था, कुछ टाइप बात नहीं, पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ना ना, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पता होनी चाहिए ना बेटा। ठीक है, तो बताओ मे सही है या शेल सही है, मे सही है, क्लियर हो गई बात। चलो इसको जरा लिख लो, सेक्शन 1 को, जी आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक ऑफ याद है सबको, स्ट्राइक ऑफ सबको याद है, नहीं क्यों, आगे बढ़े। चल देखो बेटा, पर्पस ऑफ दिस लॉ, पर्पस ऑफ दिस लॉ, इस एक्ट का या इस लॉ का पर्पस है टू रिवाइव सिक्किम, टू रिवाइव सिख कंपनी। सिख का मतलब क्या होता है, बीमार, ऐसी कंपनी को रिवाइव करना, रिवाइव मतलब उसको ठीक करना, जो कंपनी क्या है, बीमार है। अच्छा, बीमार का मतलब क्या होता है बेटा, कंपनी क्या बिकने वाली नहीं, कंपनी अनेबल टू पे द डेट, अनेबल टू पे द डेट, डेट मतलब उसने लोन वगैरह ले रखी, ठीक है, ऐसी कंपनी जिसने लोन ले रखा है बट वो अपना लोन रीपे नहीं कर पा रही, अनेबल का मतलब नहीं कर पा रही, ठीक है, ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे, सिक कंपनी बोलेंगे, ठीक है। सिक कंपनी को रिवाइव करने के मकसद से क्या बनाया गया हमने, आईबीसी 2016 बनाया गया, ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा अब देखते हैं ये आया कहां से, ठीक है, देखो कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, इसमें कितने सेक्शन है टोटल, 470 सेक्शन, ठीक है, इसमें बेटा एक चैप्टर जो हम पढ़ेंगे दैट इज वाइंडिंग अप, ठीक है, तो वाइंडिंग अप में ना कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि आपको, अच्छा याद है आरओसी स्ट्राइक ऑफ अपनी मर्जी से कराता था तो आपको होना ही पड़ेगा, मना कर सकते हो, नहीं कर सकते, ऐसे ना कुछ कंपल्सरी वाइंडिंग अप के ग्राउंड्स भी है, और ये कौन कराता है, ये एनसीएलटी कराता है, कौन कराता है बेटा, एनसीएलटी, अगर कुछ ग्राउंड्स में आप फंस जाते हो तो आपको एनसीएलटी अपनी मर्जी से वाइंडिंग अप कर देगा, मतलब कंपनी को बंद कर देगा,
दोबारा कंपनी बन सकती है? दोबारा नहीं बन सकती, लेकिन स्ट्राइक ऑफ के बाद दोबारा कंपनी बन सकती, ठीक है। तो देखो क्या लिखा था इसमें, एनसीएलटी में वाइंड अप द कंपनी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, लिखो बेटा ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इसके ऊपर सेक्शन लगता है 271, पढ़ेंगे अभी हम कुछ दिनों में, ठीक है। एनसीएलटी वाइंडिंग अप कर सकता है कंपनी को अगर कंपनी नीचे लिखे हुए ग्राउंड्स में आ जाती है तो, ठीक है। पहला ग्राउंड जिसमें से था, इफ कंपनी अनेबल टू पे डेट, अनेबल टू पे 271, अनेबल टू पे डेट इक्वल टू और मोर देन 1 crore rupees, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, इफ कंपनी इज एक्टिंग अगेंस्ट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, थर्ड कंपनी इज डूइंग फ्रॉडुलेंट एक्ट, उसके बाद लिख लेना एक्सेप्ट, ठीक है। सेक्शन 271 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का, अगर कंपनी नीचे लिखी हुई चीजें करेगी तो एनसीएलटी कंपनी को क्या कर देगा, कंपल्सरी वाइंडिंग अप कर देगा, क्या कर देगा, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ठीक है। पहला ग्राउंड क्या था इसमें, इफ कंपनी अनेबल टू पे डेट, अगर कंपनी अपना डेट मतलब अपना लोन रीपे नहीं कर पा रही, कितने रुपए का, 1 crore या उससे ज्यादा का लोन रीपे नहीं कर पा रही, तो हम कंपनी को क्या कर देंगे, कंपल्सरी वाइंडिंग अप कर देंगे, कंपनी को बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, इफ कंपनी इज एक्टिंग अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, व्हाट इज इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट बना रही है, हो सकता है ना, टेररिस्ट बनाने का काम कर रही है, तो गलत बात हो गई, इस केस में कंपनी को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये ग्राउंड तो सही है, ठीक है। थर्ड ग्राउंड क्या है, इफ कंपनी इज डूइंग फ्रॉडुलेंट एक्ट, फ्रॉडुलेंट एक्ट मतलब फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है, तब भी कंपनी को बंद कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन पहला जो ग्राउंड है ना ये बना, अगर कंपनी लोन रीपे नहीं कर पा रही तो हम कह रहे हो कि कंपनी को बंद कर दो, ये तो गलत बात है। अच्छा अगर सोच के देखो यार, कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, इसके अंदर क्या बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे, क्या इसके अंदर डायरेक्टर्स भी होंगे, क्या इसके अंदर इम्प्लॉयज भी होंगे, होंगे, क्या कुछ वर्कर्स भी होंगे छोटे मोटे, है ना, वो पानी वगैरह पीएन वगैरह होंगे वर्कर्स, और बताओ, और इसमें क्रेडिटर्स भी होंगे, होंगे और बड़े सारे लोग होंगे कि नहीं होंगे, तो बताओ एक कंपनी के ऊपर बड़े सारे लोगों का स्टेक जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ। अगर मैं इस कंपनी को बंद कर दूं तो क्या इन सबका काम खत्म, इम्प्लॉयज की जॉब चली जाएगी, शेयर होल्डर के पैसे डूब जाएंगे, क्रेडिटर को पैसे मिलेंगे नहीं, ठीक है, जो भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ सबका पैसा डूब गया नहीं डूब गया, बोलो हाँ ना डूब गया, तो कंपनी को यार इतनी छोटी सी बात पे कि कंपनी अपना डेट रीपे नहीं कर पा रही है उसको बंद कर दोगे, बोलो, या फिर उसको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए, एक बार रिवाइव करने की एक बार कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 तो क्या बोलता था कि अगर कंपनी लोन रीपे नहीं कर पा रही तो उसको क्या करेंगे, हम बंद करेंगे। इसलिए उसके बाद क्या बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया, कौन से साल में, 2016 में। तो क्या बोला कि अगर कंपनी अपना डेट रीपे नहीं कर पा रही, कितने रुपए का, 1 crore और मोर, तो कंपनी को हम बंद नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, समझ में आ गई। तो ये वाला पॉइंट अब यहाँ से हट गया, कंपनी एक्ट से ये वाला फर्स्ट पॉइंट अब हट चुका, आ गई मेरी बात समझ में, ये पॉइंट कहाँ पहुंच गया है, आईबीसी में पहुंच गया। आईबीसी में क्या लिखा होगा, अगर कंपनी इज अनेबल टू पे डेट ऑफ रुपीज 1 crore और मोर देन कंपनी विल ट्राई टू रिवाइव द कप और उसको वाइंडिंग अप नहीं करेंगे। अच्छा कंपनी रिवाइव नहीं हो पाई उसके बाद वाइंडिंग अप कर सकते,
उसके बाद तो करेंगी ना, ठीक है? लिख लो फिर इसको। वो का आज सीख गया वो, है ना? चलिए आगे बढ़े। देखो बेटा, वाइंडिंग अपना दो तरीके से होता कैसा है। फ्रॉड फ्रॉड करती है, चलो सब फ्रॉड कर, ठीक है? चलिए अब देखो जरा, वाइंडिंग अप दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है कंपल्सरी वाइंडिंग, कंपल्सरी वाइंडिंग, और दूसरा होता है वॉलेंटरी वाइंडिंग। पहला कौन सा है? कंपल्सरी वाइंडिंग का, और दूसरा वॉलेंटरी वाइंडिंग है। कंपल्सरी वाइंडिंग का कौन कराता है? अभी हमने पढ़ा, कौन कराता है? एनसीएलटी कराता है। कौन कराता है? एनसीएलटी कराता है। सेक्शन कौन सा लगता है? 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, ठीक है? कंपल्सरी वाइंडिंग कहाँ पर होता है? कंपनीज एक्ट में होता है। कहाँ पर होता है बेटा? कंपनीज एक्ट में होता है। दूसरा होता है वॉलेंटरी वाइंडिंग। व्हाट इज वॉलेंटरी? कंपनी अपनी मर्जी से बोलते हैं कि हमें बंद करो। कंपनी क्या बोलती है? अपनी मर्जी से कि हमसे और नहीं चल रही कंपनी, हमें क्या कर दो? परमानेंटली बंद कर दो। स्ट्राइक ऑफ में क्या है? वो परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। याद है 20 साल और 3 साल का टाइम होता है। 20 साल के बाद वो परमानेंट होगा, उससे पहले या दोबारा रिवाइव हो सकती है कंपनी? हो सकती है, लेकिन बाइंडिंग अप एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो। समझ में आ गई बात भी? ठीक है। वॉरंटरी बाइंडिंग का मतलब कंपनी खुद बोलेगी, तो इसमें क्या बोलेंगे? मेंबर्स बोलेंगे कि हमारी कंपनी नहीं चल पा, डायरेक्टर्स हमारी कंपनी को नहीं चला पा रहे, तो आप कृपया करके क्या कर दीजिए? हमारी कंपनी को बंद कर दीजिए। अच्छा, बंद कौन करेगा? इसमें एनसीएलटी करेगा, नहीं इसमें एनसीएलटी नहीं आएगा, ठीक है? इसको कौन कंट्रोल करता है? आईबीसी 2017। कौन कंट्रोल करता है बेटा? आईबीसी 2017, ठीक है? कंपल्सरी वाइंडिंग कौन कराता है? कंपनी एक्ट कराता है। वॉलेंटरी वाइंडिंग कौन कराता है? आईबीसी कराता है। क्लियर है? अभी तक जो हमने पढ़ा, आईबीसी 2016 के दो काम करे। पहला काम बताओ जरा, फर्स्ट रिवाइव करता है, रिवाइवल ऑफ सिक्किम, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? रिवाइवल ऑफ सिक्किम। दूसरा क्या करता है? दूसरा करता है वाइंडिंग अप, है ना? क्या करता है बेटा? वाइंडिंग अप। अच्छा, वाइंडिंग अप कितने तरीके के होते हैं? हाँ जी मैम, एक बार दोबारा बोलना, आप अटक गए थे। अच्छा दोबारा बोलते हैं, आईबीसी कितने काम होते हैं बेटा? दो काम होते हैं। पहला रिवाइवल ऑफ सिक कंपनीज, अगर कंपनी अनेबल टू पे डेट है तो उसको क्या करेगा? रिवाइव करने की कोशिश करेगा। दूसरा क्या काम है उसका? वाइंडिंग अप कराता है। वाइंडिंग अप कितने तरीके के? कौन कौन से? कंपल्सरी और वॉलेंटरी। कंपल्सरी और सबके आवाज नहीं आ रही, कंपल्सरी और वॉलेंटरी। आईबीसी कौन सा वाइंडिंग अप कराता है? वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कराता है। देखो बेटा, सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी, सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी 2016 में किसके बारे में बातें करी गई है? वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, ठीक है जी? यहां तक कोई दिक्कत क्या? हाँ, और या तो रिवाइव करेगा तो वाइंडिंग अप वॉलेंटरी है ना, ठीक है? दूसरा, क्या कंपल्सरी वाइंडिंग अप आईबी, अच्छा ध्यान से देखना, क्या कंपल्सरी वाइंडिंग अप आईबीसी 2016 कराता है? नहीं कराता। आंसर इज नो, नहीं कराता। कौन कराता है? सीएलटी कराता है, अभी तो हमने पढ़ा। बट लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जब कंपनी अनेबल टू पे डेट थी तो कंपनी को क्या करेंगे? रिवाइव करेंगे, बंद करेंगे? रिवाइव करेंगे। अच्छा, अगर रिवाइव कहाँ पे करते हैं? कंपनी एक्ट में, आईबीसी में? आईबीसी में करते हैं। अच्छा, कंपनी रिवाइव नहीं हो पा रही, फिर क्या करेंगे? फिर वाइंडिंग अप करेंगे। अच्छा, कंपल्सरी होगा या वॉलंटरी होगा? वो तो कंपल्सरी होगा ना, वो कौन करेगा? एनसीएलटी या आईबीसी? आईबीसी तो इसकी एक्सेप्शन बन गई। मैंने नहीं बनाई, तुमने खुद बनाई है, देख।
अब दोबारा बताती हूँ आपको, ठीक है एक बार फिर से। कंपनी इफ अनेबल टू पे डेट ऑफ रुपीज 1 करोड़, और लिख लेना बेटा पहले सुन लो, अगर कंपनी अनेबल टू पे डेट ऑफ रुपीज 1 करोड़, तो कंपनी को बंद करेंगे, रिवाइव करेंगे, रिवाइव करेंगे। अच्छा, कंपनी रिवाइव नहीं हो पाई तो कंपनी को बंद करने का मतलब वाइंडिंग अप करेंगे। कंपल्सरी है, वॉलेंटरी कंपल्सरी रिवाइवल होता वहां पे कंपनी चेक में, आईबीसी में। अगर आईबीसी में कंपनी रिवाइव नहीं हो पाई तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। कंपल्सरी है वॉलेंटरी, कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। आईबीसी करेगा, कंपनी करेगा, आईबीसी करेगा। तो इसकी एक एक्सेप्शन बन गई, बोलो हाँ ना, बन गई। तो एक एक्सेप्शन क्या है, इफ कंपनी इज अनेबल टू पे डेट एंड कैन नॉट बी रिवाइव्ड। सही है गलत है? सही। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी तो हम बेस बना रहे हैं, चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ठीक है? बताओ बेटा, क्लियर ऑनलाइन वालों को? बोलो। यस मैम। एक वंशिका और भावना की आवाज नहीं आई। यस मैम, मतलब कि अगर कंपनी अनेबल है डेट पे करने में तो मतलब बाइंडिंग अप हो जाएगी कंपनी, पहले कंपनी को रिवाइव करेगी, अगर रिवाइव नहीं हुई तो वाइंडिंग अप करेगी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो कंपनी खुद कह रही है मैं बंद कर दो तो कर देंगे, ठीक है? इसमें सबसे पूछना पड़ेगा सारे स्टेक होल्डर्स, तब कंपनी बंद होगी, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये रिवाइवल कराता है, नहीं हो पाएगा तो कंपनी को बंद कर देंगे आप, ठीक है? हो गया, कंपनी देगी, पूरा प्लान बनता है कैसे होगा रिवाइव, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़े, लिखो आईबीसी 2016। इसके अंदर टोटल 255 सेक्शंस हैं, सेक्शन है अच्छा 470 कंपनीज एक्ट के, 255 आईबीसी, लेकिन हमें ये सारे नहीं पढ़ने, एग्जीम प्रोफेशन पढ़ने यहाँ नहीं पढ़ते, ठीक है? यहाँ पे सारे सेक्शन आपने नहीं पढ़ा, ठीक है? बीच बीच में से पढ़ने हैं, बीच बीच सारे नहीं है, 50-60, ठीक है? क्लियर? चलिए लिखो, आईपीसी इज अ कंसोलिडेटेड लॉ। आईपीसी क्या है? कंसोलिडेटेड लॉ। व्हाट इज कंसोलिडेटेड, मतलब वर्ड कंसोलिडेटेड का क्या मतलब? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया पहले पहले कंपनी को रिवाइव करने का और बंद करने का प्रोविजन कहाँ पे था? कंपनी एक्ट में था, अब कहाँ पर है? आईबीसी में, ठीक है? अच्छा, कुछ कंपनी होती है LIC, SBI, ये सब कंपनी, इन सबको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इन सबके लिए सेपरेट एक्ट बना हुआ था, क्या बना था? सेपरेट एक्ट बना था इनके रिवाइवल के लिए, इनको बंद करने के लिए, ठीक है? अब क्या है, अब ये सारी चीजें कहाँ पे आ गई है? आईबीसी में आ गई है, ठीक है? और LLP को बंद करने के लिए सेपरेट एक्ट था, इसको रिवाइव करने के लिए सेपरेट था, अब कहाँ पे आ गया सब कुछ? आईबीसी में आ गया, ठीक है? तो ये क्या बन गया? इट इज अ कंसोलिडेटेड लॉ। लिखवाते हैं, जरा लिखो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है? चलिए आगे लिखते हैं, हमारा ICSI भी तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। नहीं बेटा, वो तो कुछ और है,
आईसीएसआई क्या है, ये कंपनी है क्या है, ये कंपनी है, कंपनी है ये, ऐसी कंपनी जो पार्लियामेंट पास कर, जिसको किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास, उसके लिए बनाना है सीएस एक्ट 1980, ठीक है, स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया ये, ठीक है जी, और इसलिए इसको क्या बोल रहे, कंपनी ना बोलते, क्या बोलते हैं इसको, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, क्या बोलते हैं, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, ऐसी कोई भी कंपनी जिसको पार्लियामेंट बनाता है उसके लिए सेपरेट एक्ट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, आईसीएसआई, आईसीएआई और आईसीएमएआई, ये सब, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, ये सब क्या है, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा वैसे आईसीएसआई का काम क्या है, आईसीएसआई का काम क्या है बताओ, सीएस बनाना, पैसे लूटना, याद है तुम्हें उसका मिशन विजन और मोटो, याद है मोटो क्या है, स्पीक द ट्रुथ, इसका मतलब हिंदी में बता, सत्यम वचः धर्मम च, ये तो याद होनी चाहिए तीनों चीजें, ठीक है। चलो अब लिखो बेटा अर्लियर, अर्लियर कंपनीज एक्ट में, या लिखो अर्लियर कंपनी को रिवाइव करने के लिए, एक एक्ट था बेटा सिक्का, सिक्का 1985, सिक इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज एक्ट, ठीक है, ये सिक्का एक्ट, और स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन का क्या मतलब हुआ, एलआईसी वगैरह, ठीक है, एलआईसी और एसबीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इन सबको रिवाइव करने का सेपरेट एक्ट, एलएलपी को, एलएलपी, एलएलपी को के इंसॉल्वेंसी के लिए सेपरेट एक्ट था, एलएलपी एक्ट, ठीक है जी, एलएलपी एक्ट 2008, फर्म्स और इंडिविजुअल्स, अच्छा फर्म्स और इंडिविजुअल भी तो हो सकते हैं इंसॉल्वेंट, नहीं हो सकते, हो सकते हैं, फर्म्स और इंडिविजुअल्स के लिए सेपरेट एक्ट था, ठीक है। तो अब क्या कर दिया गया है, इन सब को खत्म करके क्या बनाया, एक कंसोलिडेटेड लॉ बनाया, दैट इज आईबीसी 2016, ताकि क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है, सबको रिवाइव करने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है, आईबीसी 2016, ठीक है, ये वाला एक्ट तो खत्म ही हो गया, सिक्का भाई पहले होता था खत्म, ठीक है, रिवाइव करने के लिए कंपनी, ठीक है। नहीं हाँ ये क्या आ सकता है, हाउ आईबीसी इज अ कंसोलिडेटेड लॉ, कंसोलिडेटेड लॉ कैसे बना, इसके अंदर सारे एक्ट क्या है, हम मर्ज हो गए, सिक इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी एक्ट, ठीक है जी, नहीं ऐसे भी लिखा होता है, एक्ट 1985, क्या है, हमें पढ़ना सिक्का है ही नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे, है ना, हो गया। अब इन सब के लिए क्या कर दिया गया, एक ही एक्ट बना दिया, क्या नाम है उसका, आईबीसी 2016, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंसोलिडेटेड, ठीक है, फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स,
चलिए अच्छा एक बात बताओ, आईबीसी 2016 ये एक्ट है या कोड है? एक्ट है या कोड है? कोड है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। एक्ट और कोड में क्या फर्क है? नाम क्या रखा है इसका? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड रखा है। एक्ट क्यों रखा? कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी एक्ट, है ना? एक्ट ही तो होता है। ये एक्ट है कोड, ये एक्ट नहीं बेटा, क्या है? कोड है। इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा एक्ट भी लॉ होता है और कोड भी लॉ होता है, ठीक है। एक्ट कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है बेसिकली, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? नंबरिंग में ये कौन सा लॉ? अच्छा ये भी किसने बनाया है? ये भी किसने बनाया बेटा? पार्लियामेंट ने बनाया। किसने बनाया? ये भी पार्लियामेंट ने बनाया, ठीक है। अच्छा कोर्ट में क्या होता है? इसमें ना प्रोसीजर गिवन है। क्या गिवन है? बड़े सारे प्रोसीजर गिवन है। कंपनी को रिवाइव कैसे करेंगे? प्रोसीजर पढ़ेंगे ना हम, कंपनी को रिवाइव कैसे करेंगे, इसका तरीका। और साथ में क्या, ये कंसोलिडेटेड लॉ है। क्या है? कंसोलिडेटेड लॉ। कोई भी ऐसा लॉ जिसमें प्रोसीजर गिवन होते हैं और कंसोलिडेटेड लॉ होता है उसको एक्ट ना बोलकर क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, कंपनी एक्ट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीसी करता है या फिर एनसीएलटी? ठीक है, आईबीसी को रेगुलेट करता है बेटा। आईबीसी 2016 इसको रेगुलेट करता है आईबीबीआई, लिख लो फुल फॉर्म, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी, हाँ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, जब तुम्हारे क्लियर हो जाए कंसेप्ट तब। नहीं बस हो जाएगा विषय 10 मिनट और, ठीक है। हाँ जी, कंसोलिडेटेड लॉ का क्या मीनिंग है एक बार बताना? कंसोलिडेटेड लॉ का मतलब होता है कि सारे वंशिका, कंसोलिडेटेड एक्ट का मतलब, लॉ का मतलब ये होता है कि पहले अलग अलग सेपरेट सेपरेट एक्ट बने थे, सबको रिवाइव करने के लिए, सबकी इंसॉल्वेंसी के लिए, सबको मिक्स करके, सबको कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके एक लॉ बना दिया गया, दैट इज आईबीसी। इसका मतलब होता है कंसोलिडेशन ऑफ लॉ, ठीक है। हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, ठीक है हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईबीसी 2016 सबसे पहले कोई भी लॉ कैसे पास होता है? पास इन पहले लोकसभा, कहां पे? आईबीसी सबसे पहले लोकसभा में पास हुआ था 5 मई 2016, उसके बाद पास इन राज्यसभा। पहले लोकसभा राज्यसभा क्या होता? पार्लियामेंट के फोर्थ हाउसेस, ठीक है। इसमें पास हुआ था 11 मई 2016, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? फिर प्रेसिडेंट साइंड हुआ था। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हमारा प्रेसिडेंट 28 मई 2016, ठीक है। फिर क्या होता है? पब्लिशन, पब्लिशन ऑफिशियल गैजेट,
पब्लिशिंग ऑफ मिशन गैजेट, ये पब्लिश हुआ था 28 में सेम डे। पूछ सकता है, याद कर लेना ठीक है। ऑफिशियल गैजेट कब पब्लिश हुआ था? 28 मई। ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की वेबसाइट। गवर्नमेंट की वेबसाइट का नाम क्या है? ई गैजेटे .nic.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट, इस पर अपलोड करना है ठीक है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर क्यों अपलोड करते हैं हम कोई भी लॉ को? मेक इट पब्लिक ना, टू मेक इट पब्लिक। पब्लिक का मतलब सारी दुनिया को पता चल जाए। अगर किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं ठीक है, सिर्फ आपको वेबसाइट पर डालना, कहीं नहीं डालना ठीक है जी। अच्छा क्या करना है? टू मेक इट पब्लिक। टू मेक इट पब्लिक का क्या मतलब? एक बार मैंने इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक्ट डाल दिया तो वो सारे हिंदुस्तान को ऑटोमेटिकली पता चल गया। आपने चाहे एक्ट पढ़ा या ना नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। तुमने सीआरपीसी पढ़ा है? नहीं पढ़ा क्या? तुम्हारे पे एप्लीकेबल है? बिल्कुल। किसी को मर्डर कर रहे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी? ले जाएगी। ऐसा बोल सकते हैं? हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें क्या पता पुलिस पकड़ लेते हैं, चोरी करने में पकड़ लेते। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ठीक है जी। बेटा ये बेसिक डॉक्ट्रिन पर ठीक है, डॉक्ट्रिन है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। डॉक्ट्रिन लाइक जैसे हिंदी में होता है ना idiom, मुहावरे, ऐसे लॉ में भी कुछ मुहावरे ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे ठीक है, सेट गाइडलाइंस बना रखे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लॉ नहीं पढ़ा और तुमको तो हमें पता ही नहीं, तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा ठीक है। यहाँ तक दिक्कत? लिख लो, लिख लिया बेटा। हमारे देश में ना बड़े सारे रिफॉर्म्स आए थे। रिफॉर्म्स क्या होते हैं? बदलाव आए। सबसे पहले तो आते हैं एलपीजी, बहुत साल पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कब आया था ये? 1991 में आया था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, याद है तुमको ठीक है। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब बताओ। लिबरल मतलब फ्रीडम, छूट देना। कहाँ से? लाइसेंसिंग से। पहले कोई भी काम करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। आपको लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है। ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या है? फ्री है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। पहले कुछ भी करो, कोई भी दुकान खोलोगे तो लाइसेंस। लेकिन अब ऐसा होता है? अब ऐसा नहीं होता। टी मतलब प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट की कुछ चीजें क्या हो गई? प्राइवेट हो गई। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी। मतलब क्या हुआ? पहले तो पता है वाइन एंड बियर शॉप गवर्नमेंट के अंदर थी, ये भी हुआ है ना। अब क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब पूरा प्राइवेट को दे दिया, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी पूरी तरह, उसको नहीं दे सकते जी। मतलब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? बाहर की कंपनीज इंडिया में आ सकती है और हमारी कंपनीज बाहर आ सकती है। अच्छा ऐसी कोई दो कंपनी इंडिया की जो बाहर में? जैगवार। बेटा जैगवार बाहर की कंपनी है, तुम्हें पता है इसकी स्टोरी क्या है? जैगवार लैंड रोवर, इसकी पता है स्टोरी क्या है? मतलब होगा टेक ओवर। सुनो ये तुम्हारे सिलेबस में मतलब क्या होता है? दूसरी कंपनी को बताओ कि नहीं बताओ? बताओ। टेक ओवर का क्या मतलब है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है उसको टेक ओवर बोलते हैं ठीक है। अच्छा कुछ टाइम पहले, बहुत साल पहले की बात है, टाटा, टाटा का मालिक रतन टाटा ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है गाड़ियां आती है, कार्स आती है टाटा की, आती है ना, आती है ऐसी गाड़ियां, तो ये ना बड़े लॉस में चल रही थी। टाटा मोटर्स लॉस में चल रही थी ठीक है।
बहुत साल पुरानी बात है, टाटा मोटर्स नैनो गाड़ी है वो आ रही है इलेक्ट्रिक, पता तुम्हें? अच्छा, टाटा मोटर्स बहुत साल पहले लॉस में चली, तो ये किसके पास गया? जैगवार एंड लैंड रोवर के मालिक के पास गया, इंडिया में बाहर गया। तो इनने क्या बोला रतन टाटा ने कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो हमारी कंपनी को क्या करो, आप टेक ओवर कर लो, खरीद लो। और इसने मना कर दिया, हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारी कंपनी, इंडिया में वैसे ही बेकार कंपनी, हम तो खरीदेंगे, सारा नकली सामान मिलता है, ठीक है। तो इसने क्या करके साफ साफ इनकार करके बेइज्जती करके वापस भेज दिया रतन टाटा, ठीक है। फिर रतन टाटा ने क्या करा, अपनी कंपनी को बढ़ाया, उसके दिल पे लग गई ना बात, तो अब कंपनी को उसने बढ़ाया, तो उसने क्या अपनी कंपनी को टाटा मोटर्स को रिवाइव करा, हो गई रिवाइव, चल रही है ना आज, ठीक है। फिर कुछ साल बाद ये जैगवार और लैंड रोवर हो गई लॉस में चली गई थी। फिर इसका मालिक इंडिया में आया और रतन टाटा के पास आया, क्या बोला कि अब आप हमारी कंपनी को खरीद लो, और रतन टाटा ने खरीद लिया, क्या कर लिया आप सुन रहे हो मेरी बात, क्या कर लिया उसने, खरीद लिया। तो आज की डेट में जैगवार और लैंड रोवर इंडिया का ब्रांड, ठीक है, लगता नहीं है वैसे इंडिया का, बट चलो इंडिया का, ठीक है, इंडिया का ब्रांड, क्योंकि रतन टाटा ने इसको टेक ओवर कर लिया बहुत साल पहले, ठीक है जी। अच्छा, रतन टाटा एक लाइन बोलता है, बताती हूँ, अच्छी लाइन है, तुम पता होनी चाहिए, आई मेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। रतन टाटा ने क्या बोला, आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, मतलब मैं सही डिसीजन नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूं और उसको सही साबित करता हूं, सही है, किसने बोला ये, रतन टाटा, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, बस वापस आ जाते हैं, बैक टू द टॉपिक, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, जो चाहो वो हो सकता है, हाँ विश्वास असेंबली है ये। चलिए, अच्छा रिफॉर्म्स की बात करें, सबसे पहला रिफॉर्म क्या है बेटा, एलपीजी 1991 में आया, रिसेंटली क्या रिफॉर्म आया, सबसे पहले है कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956, इस उसके अंदर ना 100-100 रुपए की पेनल्टी थी, 100 रुपए 500 रुपए की पेनल्टी, बस ये तो कोई भी दे सकता है, तुम भी तो दे सकते, नहीं दे सकते, दे सकते हैं तो खत्म कर दिया। क्या बनाया, कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर करोड़ों की पेनल्टी, कुछ गड़बड़ करके दिखाओ उस टाइम बच जाओ, बेटा गलत मत बनाओ कंपनी, इसीलिए उसके हिसाब से, ठीक है। दूसरा आपको पता है पहले सर्विस टैक्स होता था, पता है सर्विस टैक्स, वैट और भी होते थे बड़े सारे, अब इसकी जगह क्या है, अब जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, पूरे इंडिया पे क्या लगता है, जीएसटी लगता, ठीक है। और तीसरा आईबीसी 2016, सबसे बड़ा रिफॉर्म तो यार सेबी है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है ये सेबी, ठीक है, कोई भी गड़बड़ करने देता है, लेकिन फिर भी लोग कर जाते हैं, करा ना विजय माल्या ने, नीरव मोदी ने करा, सबने कर, ठीक है जी। ये सारे रिफॉर्म्स आए हैं इस बार इंडिया, अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, लूप होल्स, हाँ अच्छा, हमने भी तो लूप होल निकाला था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का, याद है थर्ड पॉइंट में रिलेटिव्स की शेयर होल्डिंग नहीं जानी थी, ले सकते हैं ना शेयर होल्डिंग, बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ, कर तो सकते हैं कंट्रोल, कर सकते हैं, लूप होल निकल आया, ऐसे तो निकालते हैं लोग लूप होल, करते होंगे ना गड़बड़, हम भी करेंगे और क्या, यही तो काम है, बस करना आना चाहिए सिंपल बात, आप पकड़े मत जाओ सिंपल। एक होता सत्यम स्कैम, बताया था ना मैंने, उसकी वजह से। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा सेक्शन नंबर वन, सेक्शन वन, ऑफ आईबीसी 2016, ये मैंने करा दिया, करा दिया, इसमें क्या लिखा होता है,
ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आगे लिखते हैं। देखिए बेटा, ओवरव्यू ऑफ रिवाइवल ऑफ कंपनीज। या फिर इसको बोल सकते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। IRP। अच्छा, ये 5 नंबर टास्क है, ठीक है, ओवरव्यू। देखिए बेटा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा आपके हिसाब से? सबसे पहले क्या होगा, आईबीसी में कंपनी आएगी कब? जब कंपनी अनेबल टू पे डेट है, ठीक है। लीजिए इफ आ कब, इफ आ कंपनी अनेबल टू पे डेट ऑफ रुपीस 1 करोड़ और मोर, ठीक है। अच्छा, किसका डेट रीपे नहीं कर पा रही कंपनी का? अच्छा, किसको डेट देना होता है? क्रिएटर को देना पड़ता है, तो एप्लीकेशन पे कौन फाइल करेगा? क्रिएटर करेगा, है ना। देन क्रेडिटर्स वे फाइल बाइंडिंग अपिटिशन, रिवाइवल पिटिशन, रिवाइवल पिटिशन पहले क्या लगाते होंगे? बाइंडिंग अपिटिशन, आप क्या लगाते हैं? रिवाइवल। देन क्रिएटर्स मे फाइल रिवाइवल पिटिशन। क्रिएटर्स की नहीं, 1 करोड़ और मोर है। अगर 1 करोड़ से कम है तो इसमें ले जा सकते, 1 करोड़ से ज्यादा है तो जा सकती, ठीक है। उसे अपर लिमिट पूछ रहे हो ना, नहीं है कोई, ठीक है। देन फाइल रिवाइवल पिटीशन टू NCLT, ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब NCLT के पास क्या आ गई? एप्लीकेशन आ गई। NCLT क्या करेगा? NCLT क्या करेगा? या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ये करेगा NCLT, इधर रिजेक्ट और एक्सेप्ट एप्लीकेशन। NCR तो रिजेक्ट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, रिजेक्ट करेगा तो यहीं पे खत्म काम। अगर एक्सेप्ट करेगा तो लिख लीजिए स्टेप नंबर 3, आफ्टर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्लास में स्ट्राइक ऑफ का टेस्ट लूंगी मैं, ठीक है, परसों, आफ्टर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। रिटर्न रिटर्न है ना, आफ्टर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन, NCLT 3 ऑर्डर देगा। जब NCLT ऑर्डर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा तो 3 ऑर्डर्स है। पहला, फर्स्ट इज मोराटोरियम पीरियड। अभी बताती हूँ क्या होती है मोराटोरियम पीरियड। सेकेंड, न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट।
न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और थर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम interim resolution professional ठीक है. सबसे पहले देखो बेटा, अगर कंपनी अनेबल टू पे डेट है कितना, 1 करोड़ और मोर. 1 करोड़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 करोड़ और मोर. तो एप्लीकेशन किसको लगाएंगे, एनसीएल होल्डर लगाएंगे. कौन लगाएगा, क्रेडिटर लगाएंगे. एनसीएलटी या तो चेक करेगी या तो एक्सेप्ट करेंगे. चेक करेगी तो यहीं पे खत्म हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है. अगर एक्सेप्ट करेगी तो एनसीएलटी 3 ऑर्डर देगी. कितने ऑर्डर, 3 ऑर्डर. पहला मोराटोरियम पीरियड, बोलो जरा, मोराटोरियम पीरियड. सेकेंड न्यूज़पेपर एंट्रीज. थर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इंटरिम रेजोल्यूशन मॉरेटोरियम पीरियड होता है जब कंपनी रिवाइवल हो रही हो, उस टाइम पीरियड होगा रिवाइवल प्रोसेस का, ठीक है. उसके बीच में कंपनी के ऊपर सूट फाइल नहीं, उसको बोलते हैं मॉरेटोरियम. क्या बोलते हैं, मॉरेटोरियम. जब कंपनी रिवाइव हो रही होगी तो कंपनी के ऊपर सूट फाइल आप नहीं कर सकते, समझ में आ गई. अच्छा, न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट क्यों देनी है, एनसीएलटी क्यों देगा, ताकि जितने भी क्रिएटर्स है ना उन सबको पता चल जाए. यहाँ पर जो क्रिएटर ने करी होगी, 1 या 2 10 क्रिएटर्स ने करी होगी, सबको तो नहीं पता ना कंपनी रिवाइवल में है, पता सबको, सबको नहीं पता. तो एनसीएलटी क्या करेगी, न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट देगी ताकि सारे क्रिएटर्स को पता चल जाए, उनका भी कोई क्लेम है तो वो भी आके ले ले, ठीक है. थर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को होता है सीए, सीएस या सीएम. ये लोग क्या कराते हैं, कंपनी का रिवाइवल प्रोसेस कराते हैं. तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है आईबीएस, क्योंकि आप कराओगे कंपनी का रिवाइवल. आप लोग क्या बन सकते हो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हो, लेकिन सीएस बनने के 10 साल के बाद बन सकते. सीएस बनने के 10 साल के बाद तुम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं. तुम्हें मेरी एज कितनी लग रही है, ज्यादा लग रही है. मैंने 10 साल में कर ली थी सीएस, ये तो बहुत ऐसे रहा है. सर्टिफिकेट होते रहते हैं बेटा, आईसीएस कराता रहता है और ये आईबीबीआई भी कराता रहता है. तुम भी ले सकते हो पार्टिसिपेट. अच्छा, सीएस आईसीएसआई भी कराता है तुम्हारा, कंपनी लॉकअप क्विज, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. 50,000 का इनाम पहला, 50,000 फर्स्ट प्राइज है, 30,000 सेकंड प्राइज है और 20,000 थर्ड प्राइज. हाँ, एग्जाम में प्रोफेशनल भी कर सकते हैं आप. सर्टिफिकेट कर सकते हो, पार्टिसिपेट करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, प्राइज ही मिलेगा. अच्छा, उसमें से 3 लेवल होते हैं, उसके 2 लेवल घर में बैठ के होते हैं, 1 लेवल वहां जाते हैं लास्ट. जब आएगा ना इसी सही का, मैं आपको बता, ठीक है. अच्छा, फ्री है उसकी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फ्री है, ठीक है. सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट चाहिए तो प्राइस नहीं चाहिए. घर बैठ के तो चिट्ठी खा के लोग कर लेते हैं, है ना, ठीक है. थर्ड बैंक ले भी सकते हो. क्या 50,000 है थर्ड बैंक, 20,000 चलो. अब देखो जरा, जब एनसीएलटी एप्लीकेशन का एक्सेप्ट करेगी तो ऑर्डर देगी बेटा, 3 ऑर्डर देगी. कितने, 3 ऑर्डर. पहला मोरेटोरियम पीरियड, मोरेटोरियम पीरियड का क्या मतलब है, जब कंपनी होगी उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते. दूसरा न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट, ताकि सारे क्रिएटर्स को पता चल जाए. थर्ड
अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन बेसिकली होता है वो ना ये सीएस लोग सीए और सीए में नहीं होते इनको पढ़ाते नहीं आई सकते ही नहीं होता है बट लिखने में तो लिखा हुआ है सीए 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 भी तीन हो सकते बट एक्चुअल में कौन होता है पेपर में तीनों लिखने हैं हाँ ठीक है ज्यादा मतलब सीए वाले है ना चल आगे लिखो स्टेप नंबर फोर अब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा लिखो स्टेप फोर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल Shall constitute committee of creditors. Committee of creditors. Creditor की committee बनाएंगे बनाएंगे क्या करेंगे creditors की committee बनाएंगे ठीक है step five. पांचवा step क्या है after constitution. Of committee of creditors. Resolution professional. Interim resolution professional. Interim resolution professional. Shall call the meeting of committee of creditors. Step six. At meetings, at meeting, committee shall appoint final resolution professional. पहले इंटर करते हैं फिर आगे लिखेंगे ठीक है सबसे पहले मैं याद करती हूँ बेटा पहला स्टेप क्या था अगर कंपनी बोलो मैं तो पास आ जाऊंगी देख अगर कंपनी पे डेट क्या है अनेबल टू पे डेट ऑफ बीस कंपनी can file petition to the NCLT for petition बात है ना दूसरा NCLT आपको reject करेगी या accept करेगी अगर reject करेगी तो खत्म अगर accept करेगी तो पहला फोर्थ पॉइंट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा अच्छा क्रेडिटर्स तो अलग अलग होंगे क्या सब एक दूसरे को जानते होंगे जानते हैं लेकिन कंपनी का सबको जानती है कंपनी सबको जानती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा क्या बनाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगा पॉइंट नंबर फाइव क्या बोल रहा है After constitution of committee of creditor, interim resolution professional shall call the meeting of committee of creditors. क्या करेगा मीटिंग ठीक है मीटिंग में क्या होगा एट मीटिंग मीटिंग में क्या करना है मुझे
कमिटी शेल अपॉइंट फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ये कौन सा था? इंटरिम. इंटरिम मतलब टेम्पररी था. अब क्या करेंगे हम? फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे जो अल्टीमेटली कंपनी का रिवाइवल करेगा. क्या करेगा? रिवाइवल. अच्छा एक बात बताओ, ये जो फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, क्या ये इंटरिम वाला भी हो सकता है? हाँ, क्या कोई और भी हो सकता है? मर्जी किसकी है? कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे. स्टेप नंबर 7 लिखो. आसान है ना ये? स्टेप 7. नाउ आफ्टर अपॉइंटमेंट, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अच्छा कंपनी को रिवाइव करने के लिए कुछ प्लान वगैरह बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना. अगर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है पैसों से रिलेटेड, तो क्या बजट बनाते हैं कि यहाँ यहाँ ज्यादा खर्चा करेंगे, यहाँ कम करेंगे? ऐसा होता है नहीं. होता है हमारे पास अगर कम पैसे है, हम सोचते हैं ना कि दोस्तों पे कम पैसे खर्च करेंगे, है ना, मेट्रो वगैरह बस में जाएंगे. होता है फिर कभी कभी पैदल भी चले जाएंगे? नहीं होता. हमारे तो घर वाले पैसे दे देते हैं, है ना. क्या करते हैं ऐसे हम? बोलो, करते हैं. तो उसके बाद क्या करेगा फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? क्या बनेगा बेटा? रेजोल्यूशन प्लान बनेगा. क्या बनेगा? रेजोल्यूशन प्लान. टेल मी प्रिपेयर्ड कि कंपनी को रिवाइव करना कैसे. ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान शैल बी प्रिपेयर्ड. बहुत पैसे होते हैं, करोड़ों रुपए, करोड़ों. एक तो कंपनी बेचारी रिवाइव हो रही है, नेबल टू बेटर, तो भी पैसे लेंगे नहीं रहे, लेंगे और क्या करा हमसे, तब भी लेगा पैसे. उसने करा था ना रिवाइव करने की कोशिश. किसी भी चीज की गारंटी थोड़ी होती है, किसी चीज की गारंटी है. तुम दवाई खाते जरूरी ठीक हो जाओ, जरूरी है? ज्यादा नहीं ज्यादा बेटा, ऐसी बात. जब किसी का ऑपरेशन होता है तो पहले साइन करा लेते ना, हमारी कोई गारंटी नहीं है, फिर करा लेते ना पहले साइन. जैसे कंपनी से बॉन्ड होता है, कंपनी अच्छा हमारे पास हो जाओगे, नहीं है ऐसा ही होता है. मैंने सीएसईटी की गारंटी तो आपने तो भी नहीं करवाया. अंश के इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अरे इसलिए नहीं हुआ, परछाई आ गई थी इसलिए, बाकी हो जाते. पीछे के सबसे ज्यादा नंबर आते अगर हो जाता. स्टेप नंबर 8, ये जो रेजोल्यूशन प्लान है कौन बनाएगा? बेसिकली रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाते, कौन बनाते? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. ठीक है, अभी के लिए मान लो क्रिएटर होते हैं, क्रिएटर्स अभी के लिए मान लो. ठीक है जी, आगे देखते हैं. स्टेप नंबर 8, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट लिखिए सबने. स्टेप 8, घर जाके रिवाइज करते हो नहीं करते हो? सारे सब्जेक्ट्स नहीं, दो सब्जेक्ट करते हो, सारे सब्जेक्ट करो ना रोज. कल संडे था. बेटा जो क्लास में हो रहा है कोई भी सब्जेक्ट हो रहा है, घर जाके पढ़ो, ये तो बहुत ज्यादा बल्क हो जाएगा, ये खट्टा हो जाएगा ना, तो पढ़ नहीं पाओगे. पहले बता रही हूँ मैं, क्या कह रहा बोलो इंद्रजीत, कुछ क्या है बेटा? अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना घर जाके कोई भी सब्जेक्ट, तो फिर वो बाद में समझ आएगा. ऐसा पूछो तो तुमने दिमाग में सोच रखा है, अभी समझ नहीं आ रहा. करो फिर और बातें क्लास में, तुम समझ कैसे आए? अगर चलो ठीक है, इस बारे में बात पढ़ लेते हैं.
ठीक है, बस घर जाके रिवाइज करते, एटलीस्ट मेरा सब्जेक्ट तो कर दिया, ठीक है सारे सब्जेक्ट करा करो, चारों पास करता भी पास होते स्टेप नंबर एक। नाउ रेजोल्यूशन प्लान बन गया, रेजोल्यूशन प्लान बन गया, आप रेजोल्यूशन प्लान क्या नहीं दिया, रेजोल्यूशन प्लान का, रेजोल्यूशन प्लान का क्या करेंगे, नाउ द रेजोल्यूशन प्लान, बस हो गई बात, नाउ द फिर बात शुरू हो गई ना, लिखूं अभी हो गई आपकी बातें, लिखिए फिर, नाउ द रेजोल्यूशन प्लान शेल बी अप्रूव्ड बाय, शेल बी अप्रूव्ड, अच्छा रेजोल्यूशन प्लान बनाया किसने, क्रेडिटर ने बनाया, किसने बनाया क्रेडिटर ने, अब क्या कराना है मुझे, अप्रूव कराना है, क्या कराना है अप्रूव कराना है, कौन अप्रूव करेगा, अच्छा तो अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, सुनो अच्छा कौन अप्रूव करेगा, क्या एनसीएलटी सबसे पहले कौन करेगा, एनसीएलटी या कमिटी ऑफ क्रिएटर्स करेंगे या फिर फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशन करेगा, सबसे पहले, सबसे पहले कौन कमिटी के साथ है, पहले ही करेगा फाइनल रेजोल्यूशन और इंटरियर, स्टेप नंबर 9 कौन करेगा, स्टेप नंबर 9 में कौन करेगा, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स आफ्टर अप्रूविंग, आफ्टर अप्रूविंग रेजोल्यूशन, आफ्टर अप्रूविंग रेजोल्यूशन After approving resolution plan by final resolution professor, आगे then approved by, अच्छा यही पे अगर final resolution professor को पसंद नहीं आया तो यही पे revival खत्म हो ही नहीं पाएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, then approved by COC, COC मतलब committee of creators, इनको पसंद नहीं आया तो यही पे खत्म, अब last दोबारा से प्रश्न, लेकिन तुमने यार बार बार एमसीएलटी की एप्लीकेशन लगाओ, मजाक थोड़ी हो रहा है, एमसीएलटी मुझसे भी आ रही थी, अभी से तो लॉ है उसके अंदर अथॉरिटी है, एमसीएलटी वो करेगी ना, हाँ करवाएगी तुमसे, ठीक है स्टेप नंबर 10 क्या होगा, लास्ट स्टेप कमिटी ऑफ क्रिएटर से मैंने पूछ लिया, लास्ट स्टेप क्या है, अब हमें किससे पूछना है, एनसीएलटी, किससे पूछना है, एनसीएलटी से पूछना है, रेजोल्यूशन प्लान, नाउ रेजोल्यूशन प्लान शैल बी अप्रूव्ड बाय, बोलो शैल बी अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी, अच्छा एनसीएलटी की मर्जी है, जबरदस्ती कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं, मर्जी है, अगर उसको पसंद आ गया तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट, अच्छा अगर तुम, अगर एनसीएलटी को रेजोल्यूशन प्लान पसंद नहीं आया, हर रीजन देना पड़ेगा, ठीक है अगर एनसीएलटी को रेजोल्यूशन प्लान पसंद नहीं आया, कंपनी रिवाइव नहीं हो सकती, फिर कंपनी क्या होगी, माइंड है कंपल्सरी है वॉलेंट्री, कंपल्सरी आईबीसी में, कंपनी सेट में, ठीक है ना, देखो जरा कितने रेजोल्यूशन प्लान दे सकते हैं, टाइम होता है 180 दिन का, कितना बना सकते हो, बना लो अभी लिखवाऊंगी बाद में, इसको छोड़ ठीक है, चलो इसको बेटा दो पार्ट में डिवाइड करो,
इफ रेजोल्यूशन प्लान इज गुड, अगर एनसीएलटी को रेजोल्यूशन प्लान पसंद आ रहा है, साथ साथ फोन सबके जरूर चलते हैं इस क्लास में। अंश का भी जरूर चलता है, बीच में एक मिनट का रुको, एक मिनट फोन शुरू। इफ रेजोल्यूशन प्लान इज नॉट फिजिबल, अगर एनसीएलटी को आपका रेजोल्यूशन प्लान पसंद आ जाता है तो एनसीएलटी उस प्लान को क्या करेगी, फाइनल। एनसीएलटी क्या करेगी, प्लान को फाइनल करेगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट। लेकिन अगर एनसीएलटी को प्लान फीजेबल नहीं लगा, मतलब उसको पसंद नहीं आया, कि आपने जो जो लिखा है ना रेजोल्यूशन प्लान में, उससे लग नहीं रहा मुझे एनसीएलटी को कि कंपनी रिवाइव हो सकती है, तो एनसीएलटी क्या करेगी, रिजेक्ट द प्लान। एनसीएलटी क्या करेगी, रिजेक्ट द प्लान, और एनसीएलटी ऑर्डर देगी, देन एनसीएलटी मे गिव बाइंडिंग अप ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, बाइंडिंग अप ऑर्डर। अब क्या करो, कंपनी को बंद करो, बाइंडिंग अप ऑर्डर। कौन सा बाइंडिंग अप, कंपल्सरी बाइंडिंग। ये हो गया हमारा प्रोसेस कंप्लीट। ये भी प्रोसेस आ सकता है पांच नंबर में या आठ नंबर में भी आ सकता है, सेम टू सेम चिपका गया है, बस आसान है ना। आसान है, मुश्किल है, अभी रिवाइज कराती हूँ फटाफट, हो जाए बिना देखे कर रहा है रिवाइज। ठीक है, सेम टू सेम याद नहीं चलेगा, आसान तो है, फिर कितना डरते हो तुम लोग पढ़ने से। हाँ, फोटो जेनी क्या उसकी दुकान है ना, फोटो चलो हो गया, निकली रिवाइज करे एक बार। अच्छा, ऑनलाइन वाले बोलेंगे जब हम रिवाइज करेंगे, सारे माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो बेटा तीनों, अब रिवाइज करेंगे बिना देखे, पहले लिख लो। चलो जिसने नहीं लिखा, लिख लिया एक बार, हो गया, हो गया। चलिए रिवाइज करें, देखिए सबसे पहला स्टेप नंबर वन, इफ कंपनी अनेबल टू पे डेट और कंटिन्यूस वर्क करो, कौन सी पिटिशन, एनसीएलटी इधर एक्सेप्ट कर लो, मतलब जब तक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलेगा तब तक केस नहीं हो सकता। न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट क्यों दे रहे हैं, ताकि चल जाए, थर्ड इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसको क्या अपॉइंट कर रहे हैं, आगे प्रोसेस करेगा ना। ठीक है, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इंटीग्रेटेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा और कमिटी ऑफ लिटरेसी पे मीटिंग कराएगा। ठीक है, फोर्थ मीटिंग में करेंगे उसको, फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन बी इंटरिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब अब रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, क्रेडिटर्स बनाएंगे, कौन बनाएगा, क्रेडिटर्स बनाएंगे, कौन बनाएगा, क्रेडिटर्स। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल बी प्रिपेयर्ड, ये थोड़ी लिखा बाय, ये थोड़ी लिखा कौन बनाएगा, ये लिखा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनाएंगे, कौन बनाएगा, क्रिएटर। हाँ वो भी लोग होते हैं लेकिन अभी के लिए क्रिएटर होते हैं। ठीक है, कौन होता है, क्रिएटर होता है। बेसिकली क्या बोला, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बना। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान बन गया, रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कराना है सबसे पहले फाइनल प्रोफेशनल से, अगर उसको पसंद नहीं आया तो यही खेल खत्म। ठीक है, अगर पसंद आ गया तो आगे बढ़ेगी, कौन अप्रूव करेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स।
पेपर में सीओसी ठीक है, उसके बाद एनसीएलटी की बारी, किसकी बारी, कंपनी एक्ट का सुप्रीम कोर्ट कौन है, एनसीएलटी, कंपनी एक्ट का सुप्रीम कोर्ट है एनसीएलटी, हम किसके पास जाएंगे लास्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास, एनसीएलटी के पास जाएंगे, एनसीएलटी को अगर प्लान पसंद आ रहा है तो भी बढ़िया, नहीं आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर पसंद आ गया तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो, और अगर पसंद नहीं आया तो ऑर्डर दे देगा एनसीएलटी, पूरा प्रोसेस किसका है, रेजोल्यूशन प्लान आईबीसी, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट समझ में आ गया सबको, रेजोल्यूशन वो क्रिएटर्स होते हाँ, कोई और पर्सन भी हो सकता है लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन बात दे, कौन बनाएगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बस, ठीक है ना, चल आगे बढ़े, बेटा इसके अंदर ना पांच अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज फाइव, फाइव अथॉरिटी, आईबीसी 2016, अच्छा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना पूरा ओवरव्यू अभी सेक्शंस के फॉर्म में पढ़ता है, सिर्फ एक ही लाइन थोड़ी है, उसके अंदर डिटेल में है सब कुछ, कितने दिन में बुलाना है, सब कुछ करना है, इतना आसान थोड़ी है ये, पूरा पूरा चैप्टर ये 10 पॉइंट, 10 पॉइंट के अंदर पूरा चैप्टर, और सब करने में कितना टाइम लगता है, एक साल लगता है, टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, केसेस नहीं है इसका, इसके अंदर केसेस एक दो ही आगे है ज्यादा, इतना आसान थोड़ी है यार, बेसिकली तो मैं याद रखना चाहिए बस, है ना, कर तो लिए 10 पॉइंट यार, आगे भी कर लेंगे डिटेल में, क्या कह रहे हो, आगे डिटेल में भी कर लेंगे, है ना, कर लेंगे ना, क्या कोई बात नहीं, ठीक है, आईबीसी 2016, आईबीसी 2016 ने पांच नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे, फाइव न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, फर्स्ट, अच्छा पहला हमने पढ़ लिया, पहला बोले आईबीबीआई, आईबीबीआई फुल फॉर्म बोलो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है, बोर्ड है, जहां जहां बोर्ड लिखा होगा इस एक्ट में, मतलब क्या है, आईबीबीआई, ठीक है, कंपनी एक्ट में बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी एक्ट में बोर्ड लिखा तो उसका मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आईबीसी में बोर्ड लिखा तो क्या मतलब है, आईबीबीआई, नेक्स्ट उसके बाद बनाया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हमारे तीनों इंस्टीट्यूट है, नाम बता दो, ICSI, दूसरा ICAI, तीसरा कौन है, ICMAI, ठीक है, ये तीनों क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, नेक्स्ट बेटा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के पेपर होते हैं अलग से, सीएस बनने के बाद दोबारा पेपर देने पड़ेंगे इसके लिए, मत बनो 10 साल के बाद देने, वैसे अभी छोड़ देने, सीएस बनने के बाद पढ़ना ही पड़ेगा, अमेंडमेंट आती रहती है, कौन पढ़ेगा अमेंडमेंट, तो यार कंप्लाई तो करनी पड़ेगी ना, तुमने पहले वाला लॉ कंप्लाई कर दिया तो गलत, कंपनी में तुम जॉब करोगे, अगर कोई अमेंडमेंट आ रहा है, अच्छा
करोड़ की जगह 2 करोड़ हो गए सपोज, पहले ही 1 लाख था, 1 करोड़ हो चुका है, अगर मैं तुम्हें 1 लाख पढ़ा दू तो गलत हो जाएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे तो प्रैक्टिकली करोगे चेंजेस होते रहते थोड़े, हाँ चेक करना पड़ता है, वो एमसीए की वेबसाइट मिल जाता है आसान है यार चेक, क्या देख लो आगे बढ़ते। उसके बाद होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, सीए सीए सीएल लोग थोड़ा बहुत है उनके सिलेबस सारे। उसके बाद है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, बस करो बस शांति से बैठो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। उसके बाद होता है लास्ट इंसॉल्वेंसी फंड, इंसॉल्वेंसी फंड बस शांति ठीक है। ठीक है सबसे ऊपर कौन है बेटा, बोर्ड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी सेकंड, ये कौन है तीनों इंस्टीट्यूट है ठीक है, और तीसरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए इन तीनों में पेपर देने पड़ेंगे सीएस, अरे एक में किसी एक में सीएस में तुम सीएस तो आईसीएसआई में दोनों ऑब्वियसली, आप सीएस तो आईसीएसआई ठीक है। और फोर्थ क्या है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये एक न्यू एंटिटी क्या है, एक एंटिटी ठीक है, जब बैंक कंपनी को लोन देगा तो इसको बताएगा कि मैंने कंपनी को लोन दिया है, किसको बताएगा उसको बताएगा कि हमने कंपनी को इतने करोड़ों का लोन दिया है, अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तब बताएगा है ना ठीक है, अगर कंपनी लोन रीपे नहीं करवा रही तब भी बताएगा, और कंपनी ने लोन रीपे कर दिया तब भी, समझ में आ गई बात मेरी। उसके बाद इंसॉल्वेंसी फंड, इंसॉल्वेंसी फंड का मतलब, फंड मतलब पैसे ठीक है, इसके अंदर फंड कहाँ से आएंगे, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट करती है, गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार पैसे देती है गवर्नमेंट। दूसरा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से भी दे सकता है, वॉलेंटरी डोनेशन कर सकता है, वॉलेंटरी डोनेशन ठीक है। अच्छा जो इसके अंदर ऑलरेडी फंड्स है, इसके अंदर जो ऑलरेडी फंड्स है उसको हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, अभी किसी कंपनी का रिवाइवल नहीं हो रहा है ऐसे ही पड़ा पैसा, तो इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट से क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा रिटर्न आएगी, तो वो भी किसका पैसा होगा इसी फंड का पैसा, समझ में आ गई बात। अच्छा कोई भी सिटीजन क्यों खुद करेगा डोनेशन, उसको क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा उसको, कंपनी भी कर सकती है, कंपनी भी कर सकती है ठीक है, अगर कंपनी करेगी इसके अंदर कुछ अपनी मर्जी से इंसॉल्वेंसी फंड पैसे जमा करे, अगर वही वाली कंपनी पैसे जमा करे अपनी मर्जी से इस फंड में और वो रिवाइवल में चली गई तो उसको फिर 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं अपनी जेब से, उसका सारा पैसा कहाँ से आएगा इंसॉल्वेंसी फंड से आएगा, फायदा क्या, इंडिविजुअल का भी हो सकता है रिवाइवल, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने करा पैसे जमा इसके अंदर और ये रिवाइवल हो गया, तो रिवाइवल करेगी ना, करते हैं इंडिविजुअल का भी रिवाइवल होता है, इंडिविजुअल का भी रिवाइवल होता है, हाँ हो सकता है ना इंसॉल्वेंट एक पर्सन नहीं हो सकता, जिसका भी रिवाइवल करेंगे कोर्ट करवाता है इसका रिवाइवल, अब आईबीसी कराता है ठीक है, तो उसने अगर पैसे जमा कर रखे तब उसको पैसे देने की जरूरत ठीक है, ये देगा इंसॉल्वेंसी पर सारे पैसे। इट इज लाइक इंश्योरेंस, जिसने इतने तो होंगे नहीं यार, लिमिट होती होगी इसकी, इतनी भी लिमिट होती होगी ठीक है। अच्छा आपको पता है क्या बोलते हैं, कैफे कॉफी डे सुना, सीसीडी बंद हो गया था, क्यों बंद हो गया, अनेबल टू पे डेट, सेम केस इंस्टॉलमेंट हो गया था, और उसने क्या कर ली थी सुसाइड, सुसाइड कर रही थी, अब वो रिवाइव हो चुका है, अब वो रिवाइव हो गया ठीक है, रिवाइव किसने करा, या तो मैं बोल लेती या तो तुम लोग बोलो, डिसाइड कर लो पहले, तुम्हें कुछ नहीं बचे एक्स्ट्रा,
अच्छा आप सीसीडी दोबारा खोल रहे डेली सारे जगह से बंद हो गए सीसीडी आप दोबारा खोले चलिए आगे बढ़ते जाओ तुम स्टार बस जाओ टीम होटल कौन सा स्टार बच्चन बर्थडे पार्टी चल अब आगे बढ़े हम लिखो सेक्शन 189 सेक्शन 189 लास्ट सेक्शन छोड़ना तुम दूसरी क्लास होती है तीन मिनट में छोड़ना है दूसरी क्लास होती है जब कैरी दो कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कंपोजिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये बेटा आप चुप रहो दो मिनट के लिए सब चुप रहिए आप ठीक है सबसे पहले इसमें होगा एक चेयरपर्सन चेयरपर्सन का सेक्शन क्या होता है कंपनी एक्ट में चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा सीजीए अपॉइंट करेगा कौन अपॉइंट करेगा इसका चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी दूसरा एक मेंबर होगा एमसीए का एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक मेंबर होगा एमओएफ का एमओएफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक मेंबर होगा एमओएल का एमओएल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ठीक है और ये तीनों मेंबर अ पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ रैंक्स होती है ऑफिसर्स की ठीक है ये वाले मेंबर कौन होंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी अच्छा क्या बोला था ऊपर एक मेंबर एमसीए का एक मेंबर एमओएफ का एक मेंबर एमओएल का मेंबर तो कोई भी हो सकता है कोई चपरासी भी तो मेंबर ही हुआ इसका वहां पे काम कर रहा है तो लेकिन हमें कौन सा पर्सन चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी थर्ड एक मेंबर और नॉमिनेटेड बाय आरबीआई अच्छा इसमें पैसा इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर आईबीसी में है तो आरबीआई भी आएगा बीच में नॉमिनेटेड बाय आरबीआई ठीक है ना एक लास्ट फाइव अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पांच में से एटलीस्ट थ्री मेंबर्स शेल बी फुल टाइम मेंबर्स फुल टाइम मेंबर्स खत्म फुल टाइम मतलब फुल टाइम के लिए अपॉइंट होगी बोर्ड में इतने सारे लोग होंगे और सेक्शन किसका है आईबीसी का है ठीक है सबसे पहले चेयरपर्सन सबसे पहले चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा सेंट्रल उसके बाद एक मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का एक मेंबर आरबीआई पहले तीनों याद करते सबसे पहले चेयरपर्सन सबसे पहले चेयरपर्सन एक मेंबर एमसीए एक मेंबर एक मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक मेंबर आरबीआई हो गया उसके बाद पांच मेंबर उसके बाद पांच मेंबर पांच में से तीन होल टाइम
पांच मेंबर, पांच में से तीन फुल टाइम अपॉइंट कर रहे हैं सीजी, मतलब फुल टाइम आएगी फुल टाइम, ठीक है। और अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, हो गया। सेक्शन बोलो 180 टाइम, कितने लोग हैं? पहला चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा? सीजी। दूसरा एक मेंबर एमसीए का, एक मेंबर का, एक एक मेंबर आरबीआई, उसके बाद पांच मेंबर जिसमें से तीन फुल टाइम, कौन अपॉइंट करेगा? क्या हो गया ना, बात भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मैं डूब जाओ, पूछ तो लूं पहले मैं। बेटा कोई डाउट वगैरह है किसी को तो पूछ सकता है, जल्दी पढ़िए भाग लो, है ना, नीचे आके खड़े तो ना तुम फुल टाइम, ठीक है जी, डन। ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत? नो मैम, नहीं। चलिए यही करते हैं, फिर क्लास ओवर।